इंसान है बारे में इंसान पर हमारे मेडिसिन है इंसान है और भी बारे में इंसान है जहर बारे मुखातिब है और इस वक्त हमारी तहरीक का को 60 दिन का अरसा मुकम्मल होने वाला है। अगर आप सब जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इसकी स्टेट फोर्सेस बलूचिस्तान में क्या कर रही है, आप शुरू दिन से इस तहरीक को पढ़ें कि किस तरह एक पुरअमन तहरीक जिसमें जिसकी तादाद हम औरतें हैं और उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसको कैसे एक टेररइज नरेटिव के ज़रिए उन सबको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है और पूरी स्टेट की मशीनरी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जिनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था वो भी स्टेट नैरेटिव को लेकर जा रहे हैं आगे। हम इसी उस पर अपने फोर्थ फेज को आगे ले जा रहे हैं और इसमें हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम एजुकेट करना चाहते हैं पाकिस्तान की यूथ को, क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी में खड़ी हूँ जहाँ पर पाकिस्तान के हर तबके का कोई ना कोई बंदा मौजूद है। तो आप अपने तबके को यहाँ पर ओन कर रहे हैं और उसकी उसी के उस पर मैं आप सबसे गुजारिश यही करती हूँ
कि आप इस मूवमेंट के साथ साथ जहाँ जहाँ आपकी मूवमेंट चल रही है उनका हिस्सा बने, और जो इंडिविजुअलिज्म की एक तहरीक पाकिस्तान ने चलाई है जिसके तहत यूथ को करप्ट किया गया है, स्टेट मशीनरी का हिस्सा बनाया गया है, उनको यही कहा गया है कि जो सियासत करेगा वो गलत है, सियासत गंदी चीज़ है, उसको हमें तोड़ देना है। और इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए हमें आप सबकी साथ की ज़रूरत है। एट दिस पॉइंट स्टेट ने एक ऐसा नरेटिव हमारे सामने लेकर आया गया है जिसके तहत इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हमारा जो धरना है इसको खदशा जाहिर है। हमने 10 दिन पहले कहा था कि स्टेट हम पर अटैक करने वाली है और वो खदशा अब भी जाहिर है, जिसके तहत सैकड़ों की तादाद में लोगों पर FIR की गई है जो पीसफुल मूवमेंट का हिस्सा बने रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं और फिर भी हम इस मूवमेंट को लेकर जा रहे हैं जिसमें बलोच खवातीन का सबसे बड़ा किरदार रहा है। आप सबसे यही गुजारिश होगी हमारे फोर्थ फेज में आप सब ने हमारा साथ देना है, मोबिलाइज करना है, एजुकेट होना है, पढ़ना है और समझना है कि स्टेट वायलेंस कैसे यूज़ हुई है दहाइयों से। स्टेट ने थ्रू वायलेंस जो है ना कैसे एक खौफ का माहौल पैदा किया है, स्टेट ने थ्रू वायलेंस कैसे जस्टिफाई किया है इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस को, स्टेट ने थ्रू वायलेंस जो है ना कैसे जस्टिफाई किया है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को। और इसी स्टेट के चलते हुए बलोच जो है ना, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, गिलगित हो, वहाँ पर आम जो पीसफुल मूवमेंट्स हैं उनको भी खदशात लाग गए। और आपके लिए हमारा पैगाम यही है कि हमने एक पटिशन दर्ज किया है, उसको आप जितना फॉरवर्ड करेंगे उतना ही हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि इस 60 दिनों के दौरान स्टेट ने कोशिश यही रही है कि हम अपने मूवमेंट को ख़त्म कर सके और हम पर हरासगी का हमें मारा भी गया, टॉर्चर भी किया गया। अफसोस की बात यह है कि उस चीज़ पर कोई कमीशन नहीं बनाई गई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि औरतों को मारने वाली कुवतें कौन थी और उनको हरासा कर। और आज मुझ समेत मेरी तहरीक के हर खवातीन कारकुन को हरासा किया जा रहा है, हमारे खिलाफ़ FIRs लगाए गए हैं। हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। मैं समझती हूँ कि अगर इस तहरीक में हमें कुछ भी नुकसान पहुँचा तो आप हमारे हम आवाज़ ज़रूर बनेंगे और आगे भी इस मूवमेंट का उसी तरह साथ देंगे जिस तरह आपने साथ दिया है। और हमारी तहरीक मोबिलाइजेशन के लिए, हमारी तहरीक पॉलिटिसाइज करने के लिए हम यूथ को ये पैगाम देना चाहते हैं कि स्टेट मशीनरी के थ्रू, जो बैंकिंग एजुकेशन के थ्रू हमें जो पढ़ाया जाता है जिसके तहत हर यूथ को यही पैगाम दिया जाता है कि आप इंडिविजुअल लाइफ की तरफ जाओ, सोसाइटी से हमें कट ऑफ किया गया है, ये हल नहीं है। सबसे बड़ा किरदार हमें और आपको अदा करना है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक उन कुव्वतों के खिलाफ हम आगे नहीं बढ़ेंगे जिनकी वजह से आम लोगों की किलिंग को जस्टिफाई किया जाता है, सिविलियंस की किलिंग को जस्टिफाई किया जाता है, बच्चों को मारा जाता है, तो सबसे पहले कोई भी इंसान हो उसका सबसे पहले फ़र्ज ये बनता है कि वो अपनी सोसाइटी में सबसे पहले इंसाफ ला सके। हमारी एजुकेशन किसी भी काम नहीं आएगी जब तक हम उसको यूटिलाइज करने का तरीका नहीं समझते हैं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। बलूचिस्तान के कोने कोने से आए हुए लोग जो एजुकेटेड नहीं हैं लेकिन फिर भी वो इस तहरीक का हिस्सा है, फिर भी वो कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। आज भी जब मैं कैंप से आ रही थी, कुछ ऐसे ख़ानदान थे जिनको बाकायदा डेथ स्क्वाड ने धमकी दी है और उनके घर में उनके बच्चों को मारने के लिए भी उनको हरासा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बैठे हुए हैं, फिर भी वो डटे हुए हैं। तो ये तहरीक आपकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी समाज में एजुकेटेड यूथ जो है ना वो तब्दीली का बायस बनती है। अगर आज हम सब ने इस तहरीक को और जितनी भी पाकिस्तान में तहरीकें हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया तो आने वाले वक्तों में हमारी सोसाइटी और डीकंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी। उस डीकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदार एजुकेटेड यूथ होगी क्योंकि उनमें सोचने समझने की ताकत थी। एजुकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में एक प्रैक्टिस करने का काम है। जो हम समझते हैं, जो थ्योरी हम लेकर आए हैं इंसानियत के लिए और हमारे लोगों के लिए, उस चीज़ का आपने हिस्सा बनना है। ख़ासकर जो ख़वातीन हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होती हूँ क्योंकि कोई भी कौम जो है ना वो दो हिस्सों से बनती है जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों बराबर है। यहाँ पर एक ऐसे स्टेट के जो मशीनरी है उन्होंने ख़वातीन को यकसर तौर पर अलग किया हुआ है जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म फैलाई गई है। ये पैगाम भी हम उन्हीं के लिए लेकर आए हैं क्योंकि बलोच ख़वातीन पिछले 60 दिनों से सर्दी में बैठे हुए हैं और अपने प्यारों के लिए, आप अगर उनकी मूवमेंट को देखेंगे 20 सालों से ये लोग जो है ना, आज एक ख़ानदान आया है जो कहता है कि 18 साल से मेरे बेटे को अगवा किया गया है और उस माँ ने कहीं भी नहीं गई है वो। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, उन ख़वातीन की जिम्मेदारी बनती है कि वो आएँ और इस तहरीक का हिस्सा बने।
और आप सब लोगों के पास यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि आप विटनेस कर सकें कि बलूचिस्तान के कोने कोने में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में किस तरह आम लोगों को मारा जाता है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, बलूचिस्तान में किस तरह बच्चों के मारने पर जो है ना खुशियाँ मनाई जाती है, बलूचिस्तान में किस तरह सिविलियंस इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, इनोसेंट लोगों के मारने पर हमें हम सबको इस आप लोगों के साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आप सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ, इस मूवमेंट के बाद भी आप सब लोग अपने अपने काउंसल्स में जहाँ जहाँ आपकी गैदरिंग्स होती है वहाँ वहाँ यूथ को पॉलिटिसाइज करना है, यूथ को वो तब्दीली लानी है जो इन करप्ट सियासतदानों ने हमें लाने नहीं दिया है, जिसके तहत जो है ना यूथ को हमेशा जो जितनी स्टूडेंट्स यूनियंस हैं उनको अपना पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी वोटिंग जो मुहिम है उसमें इसका साथ देते हैं, उसके अलावा उनको स्किलफुल नहीं किया गया है, उसके अलावा उनको पॉलिटिकल जो एजुकेशन है उससे बहुत दूर रखा गया है, जिसके तहत यूथ इतनी करप्शन का शिकार हो जाती है कि वो खुद अपने आप को सोशल जो सोसाइटी से अलग करके इंडिविजुअलिज्म की तरफ लेकर जाती है। तो हमारा पैगाम आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों ने इस मुहिम में ये मूवमेंट है बाकायदा तौर पर, और इस मूवमेंट में हर वो शख्स जो इंसानियत पर यकीन रखता है, हर वो शख्स जिसके प्यारे हैं और वो समझता है कि उसके बाप को 18 साल तक 4x4 की कोठरी में बगैर किसी अदालत में पेश करने के उसे रखना नहीं चाहिए, जो बलोच नैरेटिव के साथ है, बलोच नैरेटिव जो ये कहता है कि मेरे मासूम बच्चों और औरतों को ना मारा जाए, अपने कानून के लिए उनको अदालतों में पेश किया जाए, तो उसमें आप हमारा साथ देंगे, हमारे पेटिशन को साइन करें और 21 तारीख को OPC ऑल अप्रेस्ड पीपल्स ऑफ एशिया के नाम पे हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जिसमें हम बाकायदा तौर पर हम रियासत और इसकी मशीनरी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम एक डिसिप्लिन मूवमेंट चला रहे हैं, इसमें हम हर तबके की आवाज़ बनेंगे, जो इस वक्त तक रियासती जबर का शिकार रहा है, जो इस वक्त तक जो कानून और अदालतें बनी हैं जो किस तरह बाइस्ड बनकर सिर्फ स्टेट वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेट वायलेंस के लिए ये कानून बनाए गए हैं, उन सब के खिलाफ हम डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हम एजुकेट करना चाहते हैं बुनियादी तौर पर, हम चाहते हैं कि आप सब जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है वो अपने इलाके में होने वाले सियासी तहरीक का हिस्सा बने, सोचे समझे, हमारी एजुकेशन सिर्फ कोर्स की तालीम हासिल करना नहीं है, आप जब तक सोसाइटी में होने वाले सबसे बड़ी चेंज जो आ रहा है उसमें अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तो ये तमाम एजुकेशन मेरे ख्याल से एक फालतू एजुकेशन होगी, एजुकेटेड यूथ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप और हमारी OPC का जो वेन्यू है वो इस्लामाबाद सिटिन होगा, एट दिस पॉइंट एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है हमारे खिलाफ, जिसके तहत जो है ना इन्फोर्स डिसिप्लिन, जो स्टार्ट दिन से हमने कहा था कि स्टेट जो है ना पीसफुल मूवमेंट को टॉलरेट नहीं करती है, स्टेट जो है ना आज तक वो लोग जिन्होंने स्टेट इंस्टीट्यूशंस की इलीगल और जो गैर कानूनी तरीके हैं उन पर जब बात की तो उसको भी क्रश किया गया, ये आप सब के सामने है, हम औरतें सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं और स्टार्ट से लेकर अब तक हमें टेररिस्ट करार दिया जा रहा है, स्टार्ट से लेकर अब तक सूबाई हुकूमतों के साथ साथ जो गुजरा है, और अभी तो अद ये हो गई है कि जर्नलिस्ट भी मिसिंग पर्सन को इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है, हम आप सब के पास ये पैगाम लेकर आए हैं कि इस मूवमेंट को आपके प्रैक्टिकल साथ की ज़रूरत है, हम हर तरह के वायलेंस के ख़िलाफ़ है, कोई भी वायलेंस हो हम उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सबसे बड़ा वायलेंस जो क्रिएटेड है इस खत्ते में पाकिस्तान में वो स्टेट वायलेंस है, उसको किसी भी तरीके से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, स्टेट वायलेंस इज़ द ओनली, मैं बोलती हूँ सबसे पहला जो काम जो गंद मचाया हुआ है वो स्टेट वायलेंस ने बचाया हुआ है, और किसी भी स्टेट में जब तक उसकी जो पावर है इसको एक्सरसाइज करने के लिए अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं होगा, मॉनिटरिंग का प्रोसेस नहीं होगा, तो इसी तरह जो है ना सोसाइटी में इसी तरह एक अनजस्टिस सोसाइटी क्रिएट होगी, जिसके तहत एक वो कानून है जो ताकतवरों का साथ देता है और एक वो कानून है जो मजलूम की नस्ल कुशी को जस्टिफाई करता है और उसको और ज़्यादा बढ़ाता है, आप सब से यही गुजारिश है हमारे मुहिम का साथ दें और हम हमारी तहरीक में अपना प्रैक्टिकल हिस्सा बने, और जो हमारे खिलाफ एक फेक नैरेटिव की सोशल मीडिया में एक जंग चल रही है उसमें भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए, हम अपने हर पॉइंट पर हर डिमांड पर बैठने के लिए डिबेट करने के लिए तैयार है, इसी वजह से हमारा मेन डिमांड यही है कि UN बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक के पामालियों का नोटिस ले, एटलीस्ट पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल दुनिया को समझना होगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्यों लोग महफूज नहीं है, बलूचिस्तान के लोग क्यों आप सबके क्लासरूम्स में बलोच स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं,
आप उनके साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक को देखें कि किस तरह बलोच को उसकी आइडेंटिटी की बुनियाद पर यहाँ इस पाकिस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट पर भी प्रोफाइलिंग की जाती है, अरेस्ट किया जाता है। और आज इस सतह पर जब ये मूवमेंट पहुंची है तो इस्लामाबाद में मौजूद जितने भी बलोच स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। जैसे ही ये मूवमेंट यहाँ से ख़त्म होगी उनको पकड़ा भी जा सकता है, अबडक्ट भी किया जा सकता है। तो उसके बाद ये जिम्मेदारी आप पर आयद होती है कि आप उनकी आम आवाज़ बने और जो बलोच नस्ल कुशी की एक सिलसिला जारी रहा है उसके खिलाफ मौसर आवाज़ के तौर पर हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान अहमद से हटा देगा नीचे खाली साथ।